गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर फीस्ट ऑफ डेथ इसकी समरी देखेंगे। थीम इन द स्टोरी। अब थीम जो है इस लेसन की, पहले हम वो देखेंगे। इन द स्टोरी, इस कहानी में, जिसका नाम है फीस्ट ऑफ डेथ, मृत्यु भोज, द ऑथर वॉन्ट्स टू टेल अस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पुअर्टी ऑन पीपल। ऑथर जो है, लेखक जो है, वो हमें बताना चाहते हैं कि लोगों में जो गरीबी है उसका विपरीत क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमें बताना चाहते हैं। पुअर्टी लीड्स पीपल, गरीबी जो है वो लोगों को टूअर्ड्स ए मिजरेबल लाइफ, एक बहुत ही दयनीय अवस्था की तरफ लीड्स ले जाती है। इट मेक्स वंस लाइफ हेल, और इसकी वजह से, किसकी, पुअर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से व्यक्ति का जीवन जो है वो नर्क के समान बन जाता है। द पुअर हैव टू बियर मैनी सेवर डिफ़िकल्टीज, और जो गरीब होता है उसे बहुत सारी विभिन्न कठिनाइयाँ जो हैं उसको सहन करना पड़ता है। ही ऑल्सो मेक्स अस अवेयर द सडन अराइवल ऑफ ए कैटास्ट्रॉफी, और उसे हमेशा, वो हमेशा अचानक होने वाली जो विपत्ति है उस विपत्ति से उसे जागरूक होना पड़ता है। वी शुड बी रेडी टू कोप विद सच ए सिचुएशन, और हमें भी इस तरह की भयानक विपत्ति के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भाई इस तरह की कभी भी कैटास्ट्रॉफी जो होती है, भयानक विपत्ति जो होती है, वो कभी भी हो सकती है, और इसीलिए उस व्यक्ति को हमेशा क्या होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। बिसाइड द ऑथर टेल अस दैट वी आवर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सफरिंग, बजाय इसके कि ऑथर जो हमें बता रहे हैं और जो बताना चाहते हैं, उसके अलावा भी हमें जो है, हम खुद जो हैं वो इस प्रकार की पीड़ाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, खुद ही होते हैं हम। ऑथर ने हमें बताया तो है कि भाई गरीबी भी होती है, पर इसके लिए भी कहीं ना कहीं हम भी उत्तरदायी हैं। इन द स्टोरी, इस कहानी में, फीस्ट ऑफ डेथ, मृत्यु भोज, दुष्यंत फैमिली हैड टू कोप विथ वेरी टफ टाइम। दुष्यंत आगा की जो का जो परिवार था वो बहुत ही बड़ी विपत्ति का, बहुत ही कठिन समय का तुकोप सामना कर रहा था। ओनली बिकॉज ऑफ देयर पुअर्टी, केवल और केवल उनकी गरीबी की वजह से, क्योंकि वो गरीब थे। द फैमिली वॉज डाइंग ड्यू टू हंगर, और परिवार जो था वो भूख की वजह से मर रहा था। बट दुर्जन फाइव गुलनास डिड नॉट मेक ए हार्ड एफर्ट, और परंतु दुर्जन की पत्नी जो गुलनास है, उसने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया इस सिचुएशन का सामना करने के लिए। इंस्टीड, और बजाय इसके, शी केप्ट वेटिंग फॉर गुड टाइम, वो क्या कर रही थी, अच्छे समय आने का इंतज़ार कर रही थी। तो अच्छा समय ऐसे ही थोड़ी आता है इंतज़ार करने से, काम करने से आता है, तो इसीलिए उसने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए। तो इसलिए ऑथर हमें क्या बोल रहे हैं कि हमारी परेशानियों के उत्तरदायी हम स्वयं होते हैं। सो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और इसीलिए हम दुष्यंत आगा की पत्नी को इसके लिए उत्तरदायी मान सकते हैं कि इस प्रकार की जो सिचुएशन आई, दयनीय अवस्था आई, उसकी वो खुद ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। समरी, अब हम इसकी समरी देखते हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द चिली विंटर, बहुत ही ठंड जो पड़ रही थी उस शीत ऋतु में, उसका क्या प्रभाव पड़ा। द चिली विंटर चेंज द लाइफ स्टाइल, जो सर्दी वाली वाला जो महीना था उसमें लोगों का जो लाइफ स्टाइल था, ऑफ पीपल, लोगों का उसमें क्या बदलाव आया। पीपल डिड नॉट वॉन्ट टू गो आउटसाइड, लोग जो थे वो बाहर नहीं जा रहे थे, अनलेस दे हैड अर्जेंट वर्क, जब तक उनके कोई ज़रूरी काम नहीं आया। दुष्यंत आगा कैपिटल एंड प्रोफेशन, आगे इन्होंने हमें बताया कि दुष्यंत आगा का की संपत्ति क्या थी और उसका व्यवसाय क्या था। दुष्यंत आगास एंटायर कैपिटल कंसिस्टेड ऑफ टू वाटर कैंस एंड ए पोल विद ए चेन डैंगलिंग फ्रॉम आइदर एंड। दुष्यंत आगा
कि जो संपत्ति थी उसमें पूरी संपत्ति में दो तो पानी के केन थे, एक पोल बाम्बू था जिसमें आइदर एंड दोनों ही हिस्से में चेन लटक रही थी। एवरी मॉर्निंग और हर सुबह दुर्शन आगा सेट आउट टू ए फाउंटेन। फाउंटेन की तरफ दुर्शन आगा जाता था टू फेच वाटर, वहाँ से पानी खींचता था एंड सोल्ड इट इन द स्ट्रीट, और गली में उस पानी को बेचता था। ही केप्ट गोइंग टू एंड फ्रो बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेज द होल डे, और पूरे दिन वो फाउंटेन और घरों के बीच टू एंड फ्रो दोनों के बीच क्या करता था, दौड़ भाग लगाता रहता था। फ्रॉम दिस वर्क, और इस कार्य से हिज अर्निंग वर सो मर्ज, उसकी जो आजीविका थी जो वो कमाता था वो बहुत कम कमाता था, दैट ही बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट, और इतना कम कमाता था कि दोनों समय का जो भोजन है वो नहीं जुटा पाता था। सो हिज वाइफ गुलनास ऑल्सो अर्न सम मनी बाय वॉशिंग क्लोथ्स ऑफ हर नेबर्स, और उसकी पत्नी, इसीलिए उसकी पत्नी गुलनास जो थी वो भी लोगों के कपड़े, पड़ोसियों के कपड़े धोकर कुछ पैसे कमा लेती थी। अब नेक्स्ट इसमें बताएं, दुर्शन आगा डाई, दुर्शन आगा मर जाता है। दुर्शन आगा वन डे स्लिप्ड वाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन द हार्डन्ड आइस। अब कठोर बर्फ पर, सर्दी का टाइम था तो कठोर बर्फ पर खड़े होने की जब दुर्शन आगा कोशिश कर रहा था तो दुर्शन आगा का पैर फिसल गया एंड हिट हिज हेड ऑन द स्टोन बाउल अंडर टैप विद रिजल्टेड इन हिज डेथ, और फिर उसके सिर में एक पत्थर जो था नल के पास जो रखा था उससे उसके सिर पे चोट लगी और जिसका परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। गेट डिलीशियस फूड, अब उनके पास बहुत ही स्वादिष्ट भोजन आया। इन मुस्लिम्स ऑफ टर्की, टर्की के जो मुसलमान परिवार हैं, इट इज़ ए ट्रेडिशन, उनमें एक परंपरा है फॉर नेबर्स, पड़ोसियों की, टू सेंड फूड फॉर ए फ्यू डेज टू द फैमिली वेयर डेथ हैज़ ऑकर्ड। पड़ोसियों की क्या एक परंपरा है कि जिसके भी घर में मृत्यु हो जाती थी उस परिवार में फ्यू डेज, कुछ दिनों तक भोजन भेजा जाता था। सो फॉर थ्री और फोर डेज, इसीलिए तीन या चार दिन तक दुष्यंत फैमिली गॉट डिलीशियस फूड, दुष्यंत की फैमिली ने बहुत स्वादिष्ट भोजन किया जो कि फ्रॉम हिज नेबर, उनके पड़ोस से आया था। द फैमिली फेस रेच कंडीशन, अब परिवार जो था उसने बहुत ही दयनीय अवस्था का सामना किया। वेन नेबर स्टॉप सेंडिंग फूड, जब पड़ोसियों ने खाना भेजना बंद कर दिया तो दुर्शन फैमिली, दुर्शन के परिवार को, द फैमिली स्टार्टेड लीडिंग ए टफ लाइफ, तो उस परिवार ने बहुत ही कठिन जीवन जीना शुरू कर दिया। दे हैड टू स्लीप ऑन एम्प्टी स्टमक्स, और उन्हें खाली पेट सोना पड़ा एंड बिकेम वेरी वीक, और वो लोग बहुत कमज़ोर हो गए। द यंगर बॉय टोल्ड हर मदर दैट ही वॉज डाइंग ड्यू टू एक्सट्रीम हंगर, और जो छोटा बेटा था उसने अपनी माँ से कहा कि वो तो बहुत ज़्यादा भूख की वजह से मर ही रहा था। गुलनास सेंड्स हर ओल्डर सन टू ए ग्रॉसर, अब भूख से मर रहा था इसलिए गुलनास ने क्या किया, गुलनास सेंड हर ओल्डर, गुलनास ने अपने बड़े बेटे को ग्रॉसर के पास, किराने वाले के पास भेजा। गुलनास सेंड हर ओल्डर सन टू बोडोस ए ग्रॉसर, गुलनास ने बोडोस नाम के ग्रॉसर के पास अपने बड़े बेटे को भेजा टू ब्रिंग सम फूड आइटम्स ऑन क्रेडिट, कि वो उधार में कुछ भोजन लेकर आए। द ओल्डर बॉय वेंट टू द ग्रॉसर, बड़ा वाला बेटा जो था ग्रॉसर के पास गया एंड ऑर्डर्ड ए पाउंड ऑफ राइस, और उसने वहाँ जाकर एक पाउंड चावल का ऑर्डर दिया, ए पाउंड ऑफ फ्लोर, एक पाउंड आटे का ऑर्डर दिया एंड ए पाउंड ऑफ पोटैटोस, और एक पाउंड आलू का ऑर्डर दिया। बट द ग्रॉसर रिफ्यूज्ड टू गिव दीज आइटम्स ऑन क्रेडिट, परंतु उस किराने वाले ने उधार में ये सारी चीज़ें देने से इनकार कर दिया। एंड और फिर द बॉय हैड टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, उस लड़के को खाली हाथ घर वापस आना पड़ा। द ओल्डर बॉय कैचेस फीवर, अब वो बाहर गया था, सर्दी बहुत थी, इसीलिए बड़े वाले बेटे ने क्या किया, क्या हुआ उसके, उसके बुखार हुआ। वाइल कमिंग बैक टू हिज हाउस, जिस समय वो घर में वापस आ रहा था इन चिली कोल्ड, उस ठंड में
द ओल्डर बॉय कॉट कोल्ड, तो उस बड़े वाले लड़के के सर्दी लग गई. हिज मदर पुट ए ब्लैंकेट एंड द क्लोथ्स दैट शी फाउंड इन हर हाउस ऑन हिज ट्रेम्बलिंग बॉडी. और फिर उसकी माँ ने एक कंबल और जितने भी कपड़े घर में थे वो सारे कपड़े उस कांपते हुए शरीर के ऊपर पुट डाल दिए, मतलब उस लड़के को सारी चीज़ें उठा दी, बहुत सारे कपड़े डाल दिए उसके ऊपर. आफ्टर अबाउट 2 hours और 2 घंटे के बाद द बॉयज कोल्ड केम टू एन एंड, उस लड़के का बुखार जो थी वो कम हुई. बट देन ही कॉट ए हाई फीवर, पर ठंड लगना कम हुआ और बुखार हो गई. गुलनाज ट्राइड टू कूल हिज बर्निंग बॉडी विद हर कोल्ड हैंड्स, और गुलनाज ने कोशिश की कि अपने ठंडे हाथों से उसके शरीर को क्या करें, गर्म शरीर को ठंडा करें. बट हिज फीवर डिड नॉट कम डाउन, पर उसका फीवर जो है वो कम नहीं हुआ. अब ये तो हमने पढ़ी समरी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर देखेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.